बिहार में भी साक्षी मिश्रा और अजितेश की शादी जैसा एक मामला सामने आया है। बिहार की लड़की प्रीति ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर अपनी और अपने ससुराल वालों की जान का खतरा बताया। प्रीति के मुताबिक वो जिस लड़के से प्यार करती है उसके साथ उसने लव मैरिज कर ली क्योंकि घर वाले उसकी शादी के लिए तैयार नहीं थे। प्रीति के पिता अरुण पांडे बिहार पुलिस में दारोगा हैं और प्रीति का आरोप है कि वो अपने पद की बदौलत उसके पति और ससुराल वालों को परेशान कर रहे हैं। प्रीति का यह भी आरोप है कि उसकी मां ने पटना के रूपसपुर थाने में उसके पति कौशलेश कुमार सिंह के खिलाफ फर्जी अपहरण का केस भी दर्ज किया है। FIR में प्रीति के नाबालिग होने का और अपहरण का जिक्र किया गया है। वहीं वीडियो में प्रीति ने दावा किया है कि वो बालिग है और उसकी उम्र 28 साल है। प्रीति ने वीडियो में पुलिस और सरकार से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। मेरा नाम प्रीति कुमारी है, मेरे पिताजी का नाम अरुण कुमार पांडे है जो बिहार पुलिस में दरोगा है। मैंने एक लड़के से प्रेम विवाह किया है जिसका नाम कौशलेश कुमार सिंह है। मैंने परिवार और समाज के खिलाफ जाकर के शादी की है। जो मेरे पिता, मेरा भाई जमन कुमार पांडे, मेरी माँ कृष्णा देवी, उनको ये शादी मंजूर नहीं है। उन्होंने मुझे और मेरे पति को जान से मारने की धमकी दी है और मेरे पिताजी बार बार हम दोनों के ऊपर पुलिसिया धौस अपना रहे हैं। उन्होंने बार बार कह रहे हैं कि हम तुम दोनों को बर्बाद कर देंगे। और मेरी माँ जो है वो रूपसपुर थाना में जा कर के मेरे पति के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। उन्होंने केस दर्ज करवाया है कि मेरा किडनैपिंग हुआ है, जबकि मेरा कोई किडनैपिंग हुआ नहीं है। मैं स्वेच्छा से अपना घर छोड़ कर के गई हूँ। और उन्होंने ये भी केस दर्ज करवाया है कि मैं एक नाबालिग लड़की हूँ, जबकि मैं एक बालिग लड़की हूँ। मेरी उम्र 28 साल है और मैंने कोर्ट मैरिज भी किया है जिसका कि सर्टिफिकेट मेरे पास है, जिसकी सर्टिफिकेट ये है। और मेरी माँ, मेरे पिताजी और मेरा भाई बार बार हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये गुहार लगा रही हूँ कि मुझे, मेरे पति को और ससुराल वालों को सुरक्षा प्रदान की जाए। अगर मुझे और मेरे पति को या मेरे ससुराल वालों पे कोई भी घटना घटित होती है तो इसके लिए जिम्मेवार मेरे सिर्फ और सिर्फ मेरे